दोस्तों बहुत सारे लोग भारत को बुरा बताते हैं। उनका मानना है कि भारत बहुत घटिया देश है, लेकिन हम आपको बता दें कि दुनिया में भारत जैसा देश नहीं है। भारत ने दुनिया को वो दिया है जिसके बिना बहुत कुछ असंभव सा था। भारत के बिना दुनिया पता नहीं कैसी होती। दुनिया भी भारत का शुक्रिया करती है, लेकिन भारत के लोग समझते ही नहीं है। आज हम आपको भारत के बारे में कुछ ऐसी चीजें बताने वाले हैं जो भारत के इम्पोर्टेंस को बताती है। सबसे पहला, वायरलेस टेक्नोलॉजी। वायरलेस टेक्नोलॉजी के बिना दुनिया कुछ नहीं कर पाती। वायरलेस टेक्नोलॉजी को भारत के ही जगदीश चंद्र बोस ने दिया था। नंबर दो, सोचिए अगर जीरो नहीं होता तो क्या होता। ना रॉकेट्स होते, ना हवाई जहाज होती, ना ही स्मार्टफोन होते। दुनिया को जीरो देने वाला देश और कोई नहीं बल्कि भारत। आर्यभट्ट ने ही दुनिया को जीरो दिया, जिसकी वजह से दुनिया को गिनती आई। नंबर तीन, योगा। वेस्टर्न वर्ल्ड आज योगा को मानता है, लेकिन योगा भारत में बहुत समय पहले से ही, और इसके बेनिफिट्स भी भारत में बहुत पहले से उठा जा रहा है। योगा हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये तो आज के समय में वेस्टर्न वर्ल्ड भी जानता है। योगा भारत की ही देन है। नंबर फोर, यूएसबी। बहुत ज्यादा डेटा को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करने के लिए आपने कभी न कभी यूएसबी तो जरूर यूज किया होगा। यह भी भारत की ही देन है। भारत के ही अजय भट्ट द्वारा यूएसबी की खोज की गई। आप इमेजिन कर सकते हैं बिना यूएसबी डेटा को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में डालना कितना ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता था। नंबर फाइव, प्लास्टिक सर्जरी। आज के समय में प्लास्टिक सर्जरी से कोई भी अनजाना नहीं, हर किसी को पता है कि प्लास्टिक सर्जरी क्या होती है। प्लास्टिक सर्जरी भी सबसे पहले भारत में ही आचार्य सुश्रुत द्वारा किया गया था। नंबर सिक्स, फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स की खोज नरेंद्र सिंह कपानी द्वारा की गई। नंबर सेवन, चीनी। सोचिए आज आप जो भी मीठे मीठे पकवान खाते हैं, अगर उनमें से मीठे को गायब कर दिया जाए तो क्या होगा, शायद आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। गन्ने से चीनी बनाने की प्रोसेस सबसे पहले भारत में ही की गई थी।